सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं और एक्सेल में आप जो भी अंकों में कुछ भी टाइप करते हैं तो वो जो है ज़ीरो डॉट करके आता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। मान लो अगर आप एक्सेल में कोई भी अंक टाइप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ भी टाइप किया तो वो इस तरीके से आ रहा है। आपको मैं यहाँ पर फ्रेश टाइप करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मान लो मुझे अगर एक लिखना है और मैं एक लिखता हूँ तो वो ज़ीरो में आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक लिखा तो ये देखिए एक कुछ इस टाइप में आ रहा 0.1 करके, और यहाँ पे मैं दो लिखता हूँ तो वो भी 0.3। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ सीरीज लिख के बताता हूँ 5 या 6 तक, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम इस तरीके से आ रही है। और यहाँ अगर मैं न्यू शीट खोलता हूँ कि भाई मान लें हमारी शीट में प्रॉब्लम है, तो अगर न्यू शीट खोल के ओपन करता हूँ तो उसमें भी यही दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शीट की प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे एक्सेल के अंदर कुछ सेटिंग्स होती है उसकी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे मैंने एक नई शीट खोली है और मैं उसको भी अगर ओपन करके उसमें भी अगर ये सेम काम करूँ तो उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप सोच रहे हो भैया कि हम हमारी शीट चेंज करके देख लें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सभी में प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसका तोड़ क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको फाइल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे फाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे ही हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको नीचे एक ऑप्शन नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको यहाँ पे एडवांस नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटोमेटिकली इंसर्ट, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो उस पर से आपको चेक हटा देना है, ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए डेसिमल पॉइंट। तो इस पर से आप जैसे चेक हटाएंगे तो यहाँ पे चेक हटाने के बाद आपको दो ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहेंगे, कैंसल एंड ओके। तो इस पे से चेक हटाने के बाद आपको सिंपली ओके कर देना है, और ओके करने के बाद जब आप पॉइंट डाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर सॉल्व हो जाएगी। देखिए हम 4 डाल रहे हैं तो 4 आ गया है, 5 के सामने हम 5 डालेंगे तो 5 आ गया है, 6 के सामने हम 6 डालते हैं तो 6 आ गया है, और 7 के सामने हम 7 डालेंगे तो 7 आ गया, और 8 के सामने हम 8 डालेंगे तो 8 आ गया है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमें पहले कुछ इस तरीके से आ रही थी जो 0.point में आ रही थी, और अब हम जैसे जो करेक्ट डाल रहे हैं वो करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट करना अच्छा सा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपकी हेल्प करके हमें खुशी होगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।